हे सेवन साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने माउथ पढ़ा, सेलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी, टंग्स पढ़े, टीथ्स पढ़े, क्योंकि खाना उस टाइम हमारे मुंह में था। उसके बाद अपन ने पढ़ा ऑसोफेगस, जिसमें खाना हमारे गले में आ गया था। उसके बाद हमने पढ़ा स्टमक। स्टमक आमाशय, खाना वहाँ तक पहुँच गया था। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। लॉन्ग, कितनी लॉन्ग? 6 मीटर टू 7 मीटर। कोइल्ड, ये एकदम गुत्थम गुत्था होती है। नैरो ट्यूब बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे ही इसकी पोजीशन होती है। लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इफ समवन आस्क अबाउट विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आप फटाफट आंसर दे सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये लॉन्गेस्ट है। उसका भी एक कारण है जो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हर तरह के फूड आइटम का, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट फ्रॉम पेनक्रियास एंड लीवर। यहाँ पे जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना स्टमक में ऑपरेट हो चुका है, जिसका हल्का फुल्का डाइजेशन स्टमक द्वारा हो चुका है, उसके बाद का जो खाना बचता है, जो अभी तक पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं हुआ, उसको कहा जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। स्टमक के बाद का जो खाना है उसके अंदर मिलते हैं दो डाइजेस्टिव जूसेस। अब इन दोनों डाइजेस्टिव जूसेस के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है पेनक्रियाटिक जूस, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पेनक्रियास से, और एक है बाइल जूस, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर से। फिर देखिए एक बार क्या आपको नोट्स में लिखना है। हियर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियास एंड लीवर। थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, कौन से हैं ये दोनों जूस, कहाँ से सीक्रेट होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे लीवर की। लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी अभी अभी अपन ने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात आती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन हो सकता है? तो आपको उसका आंसर देना है लीवर। फंक्शन ऑफ लीवर, ये लीवर का क्या काम है? इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर एक जूस सीक्रेट करता है, एक जूस निकालता है, एक जूस स्प्रे करता है, जिसका नाम है बाइल जूस। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर भरा हुआ रहता है। फंक्शन ऑफ बाइल, इस जूस के क्या फंक्शन है, ये जूस हमारी बॉडी में क्या करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये फैट के डाइजेशन में। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो फूड आइटम्स होता है वो 4-5 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा। हर एक का डाइजेशन अलग अलग हिस्से में अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस होता है। तो फैट को कौन संभालता है? बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। आगे बात करते हैं अपन पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है पेनक्रियास से। पेनक्रियास मतलब अग्नाशय। ये चीजें आपको याद रखनी है। लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, पेनक्रियास से सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक जूस। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, इस पेनक्रियाटिक जूस के क्या फंक्शन है? इट चेंजेस कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म। ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने के कारण बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो इनको डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बनाया जाता है। बड़े मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनसोल्यूबल से सोल्यूबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सिंपलर फॉर्म समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पेनक्रियाटिक जूस उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, एक सिंपलर फॉर्म में। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। इसी तरह से फैट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है,
ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। लेकिन पैनक्रीटिक जूस इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में, जो हमारी बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब बात करूंगा प्रोटीन की। प्रोटीन जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, फूड कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पेनक्रियाटिक जूस इस पे एक्ट करता है अपने एंजाइम्स के जरिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज वगैरह, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? सिंपलर एमिनो एसिड्स में। हियर इज द चैप्टर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाला अगला एक्शन। अगले एक्शन को ध्यान से समझिए। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली ऑफ द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी इनर वॉल में अंदर की तरफ जो अंदर की सतह है इसकी, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों जैसी स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। ये उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल जूसेस को सीक्रेट करने के बाद भी होता है। इसीलिए मेजर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसी तरह से हम विली के बारे में पढ़ते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली, इसका क्या काम है? विली कंटेन ब्लड वेसल्स। विली के अंदर होती है ब्लड वेसल्स, खून की नसें, इन विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू, जिनके अंदर से डाइजेस्टेड फूड पास होता है एंड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। और डाइजेशन के बाद जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग है। एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन, ये दो वर्ड्स हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली 7th क्लास के स्टूडेंट्स को। दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले बात करेंगे एब्सॉर्प्शन की। द एब्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इनटू डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू मेम्ब्रेन। अभी अभी अपन ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज होती है। ये विलीज डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सोख लेती है, चूस लेती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्सॉर्प्शन। एक बार और नोट कीजिए आप लोग, द एब्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, उनका ब्लड स्ट्रीम में आ जाना थ्रू मेम्ब्रेन, छीछी झिल्ली के थ्रू, इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। ये था एब्सॉर्प्शन, अवशोषण, चीजों को सोखना, अपने अंदर खींच लेना। अब अपन बात करेंगे एसिमिलेशन की। इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं चाहता हूं कि पूरी डेफिनेशन लिखें आप, एक दो लाइन की डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। इन द सेल्स, हमारी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज होता है ये टूट जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से या ऑक्सीडेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इस प्रोसेस के अंदर एक चीज रिलीज होती है जिसको अपन कहते हैं एनर्जी। इस एनर्जी से हमको पूरी ताकत मिलती है काम करने की। सो डेफिनेशन क्या हुई? द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू द सेल कंपोनेंट्स टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे, एब्सॉर्प्शन के बाद वाले जो न्यूट्रिएंट्स थे, उनको सेल कंपोनेंट्स में जाना, उनको एनर्जी देना, ये चीज क्या कहलाती है? एसिमिलेशन।